हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूं आप लोगों के साथ में केवी। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप घर पे गुड़हल के फूल का जेल किस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि गुड़हल के फूल का जो जेल होता है वो हमारे बालों को स्ट्रांग बनाता है, स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है। इनफैक्ट सिर्फ हमारे बालों को नहीं, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है गुड़हल के फूल का जेल। तो गुड़हल के फूल का जो जेल होता है उसे बनाना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो सारा मेथड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इसे बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ले लेने होते हैं गुड़हल की कुछ पत्तियां, उसके बाद में आपको ले लेना होता है गुड़हल का कुछ फूल। तो गाइज, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के गुड़हल का फूल ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर में यही अवेलेबल है। मतलब तीन चार टाइप के गुड़हल के फूल मेरे घर में अवेलेबल है, तो आपके पास में जो भी हो आप वो वाला ले सकते हो क्योंकि सारे के बेनिफिट सेम ही होते हैं। पर ऐसा होता है कि सिंगल वाला जो गुड़हल का फूल होता है वो मैक्सिमम टाइम में हमें मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने तीन चार टाइप के गुड़हल के फूल लिए हैं और कुछ पत्तियाँ लिया है। तो इनको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अच्छे से वॉश कर लो, इस तरह की कोई गंदगी ना रहे, कोई कीड़े मकोड़े ना रहे। वॉश करने के बाद अब आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, ठीक है, कट कर लो, तोड़ लो, जो भी सूटेबल लगे वो कर लो। उसके बाद में आप इसमें ऐड करो एक से दो ग्लास नॉर्मल वाटर। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास और हाफ ग्लास नॉर्मल वाटर ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मसलना है, लाइक धीरे धीरे मसलना है। तो स्टार्टिंग में तो खैर कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि इसमें से कुछ स्लाइमी टाइप का निकलने लगता है जो कि हमारे वाटर में जाके बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने लगता है, मिक्स होने लगता है, स्लाइमी टाइप का बिल्कुल जेली कंसिस्टेंसी में आ जाता है। एंड ये एकदम से ना बिल्कुल रेड हो जाता है क्योंकि ये गुड़हल के फूल में इतना रेड कलर होता है कि ये पानी को बिल्कुल रेड कर देता है और ये पानी नहीं रह जाता है इसके बाद, ये पूरा हो जाता है जेल। अब देख रहे हो यहाँ पर पूरी जेली कंसिस्टेंसी में आ गई है ये। तो अब आपको क्या करना होता है, इसको स्ट्रेन करना होता है। तो स्ट्रेन करने के लिए आप जैसा भी सूटेबल लगे आपको, लाइक आप छन्नी का यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी छन्नी यूज़ की है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, बट आप अगर यहाँ पे बड़ी छन्नी यूज़ करोगे तो आपका शू शटाक से ये स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो मैंने इसको एक बार स्ट्रेन किया था, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे इसको एक और बार स्ट्रेन करना है, तो फिर मैंने इसको स्ट्रेन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना अच्छा बिल्कुल जेली कंसिस्टेंसी का हमारा गुड़हल का जेल निकल कर आ गया है। तो गाइस, इसे आप अपने स्किन में लगाओ, आपकी स्किन में ग्लो देकर जाएगा। आपकी स्किन में अगर बहुत सारे एक्ने के स्कार्स हैं तो उन्हें भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद में आप इसे क्या करो, ग्लास जार के कंटेनर में इसको स्टोर करके रखो, फ्रिज में रखना है आपको। आप इसे 15 से 20 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हो, इसे बालों में भी यूज़ कर सकते हो, अपने स्किन में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसको बाहर नहीं रखना है, आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अपने बालों में अच्छे से लगा लो, बिल्कुल अपने बालों की जड़ों में लगा लो, अपने बालों की रूट्स में लगा लो। तो गाइस, ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है ना, तो उन्हें भी मैनेजेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक दो घंटे रखना है, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो गाइज़, ये था आज का मेरा सिंपल सा। सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।